बात है कि जातीय जनगणना लोगों का अपना अपना पसंद है, जिनको पसंद है वो अपना काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जातीय जनगणना से पहले इस राज्य में, इस देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ है और जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में बनना चाहिए। उसके बाद कोई और जातीय जनगणना होता रहे कोई दिक्कत नहीं, पहले जनसंख्या नियंत्रण तो करे। पहले इस ये धरती जो है ना, ये जनसंख्या के लोड से दबा जा रहा है। हमारा देश का जो क्षेत्रफल है और जितनी जनसंख्या है उसमें हमारा देश दबा जा रहा है जनसंख्या के भार से। कोई विकास का काम संभव नहीं है अगर यही रफ्तार जनसंख्या का रहा। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि अगर जनसंख्या का यही हाल रहा तो हमारे देश में भी तालिबानी ताकत जो है वो सर उठाएगी और अफगानिस्तान का हाल हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, उसके बाद जो जनगणना करना करते रहे, हमें कोई। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी लगातार अपना स्टैंड बदल रही है। बीजेपी के नेता बिल्कुल दो धड़े में बटे हुए हैं। बीजेपी के नेता कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते, एक महीने में 11 बार बीजेपी ने अपना स्टैंड बदल लिया। आज बीजेपी के माननीय मंत्री ने एक नया राग अलाप दिया है कि पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को, अपने सहयोगी को बीजेपी क्यों नहीं समझा पा रही? पहले जातीय जनगणना होनी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कह करके बीजेपी के लोग असली मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसलिए ये मुद्दा बीजेपी जो ला रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रही है, पहले अपने सहयोगी को समझाए। सर्वदलीय बैठक में साथ गई थी, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी के भी माननीय मंत्री गए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने। जनसंख्या नियंत्रण दोनों अलग मुद्दे हैं, दोनों एक नहीं है। और जो जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करने वाले, शायद ये भूल गए कि वो जो सत्ता में आए थे वो महंगाई नियंत्रण के नाम पर आए थे। आज महंगाई विस्फोट है लेकिन कोई भी इस पर बयान देने को तैयार नहीं है सत्ता पक्ष। सबसे बड़ी बात कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, इसी बीच जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनके निजीकरण लगातार हो रहे हैं और बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। तो इसका नियंत्रण आप कानून लाइए ना। आम जनों को जो मुद्दों से आप भटका कर वोट की राजनीति करते हैं, जनता सारी बात आपको समझ चुकी है। सबसे बड़ी बात जातीय जनगणना उपेक्षित वर्गों के विकास के लिए समय की मांग है और जातीय जनगणना के माध्यम से आरक्षण का सही लाभ सही व्यक्ति तक मिलता है। जातीय जनगणना के हम लोग पक्षधर हैं और जातीय जनगणना होनी चाहिए। ABP News, आपको रखे आगे।